सत श्री अकाल जी। जस पंजाबी ते पंजाब बोलदा वेख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर सिंह ते जस पंजाब बोलदा दे विच अज गल रोज़गार की करांगे। रोज़गार नूं लैके सूबे दे विच की कुछ स्थिति है। कैप्टन सरकार सत्ता चाही सी तां घर घर रोज़गार देण दा वादा कीता सी, जिहदे तहत हुण सूबे दे विच घर घर रोज़गार स्कीम भी चलाई जा रही है। रोज़गार मेले दा 5वां एडिशन जिहड़ा है सूबा सरकार दे वल्लों चलाया जा रहा है ते उस विच किस तरीके दे प्रबंध ने, किस तरीके दीआं नौकरियां दित्तीआं जा रहीआं ने, किवें दे नौजवान पहुंच रहे ने ते की नौजवान इन्हां रोज़गार मेलियां दे नाल खुश ने। रोज़गार की जो असी गल करते हैं तो पंजाब दे विच रोज़गार की स्थिति नूं लैके नैशनल सैंपल सर्वे का इस तो पहला एक आंकड़ा सामने आया सी, जिहदे विच कहा गया कि पंजाब दे विच 1000 बंदियां दे पिछे करीब 42 लोग जिहड़े ने वो बेरोज़गार ने, जो कि जो कौमी पद्धर की बेरोज़गारी सी वो 1000 के मगर 25 सी। तो पंजाब दे विच तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि किन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते बेरोज़गारी का पद्धर जिहड़ा सी पहुँचिया होया सी। सब तो पहला तुहानूं दिखाने कि सूबा सरकार ने जिहड़ी इस नूं लैके एक वैबसाइट चलाई हुई है, उस वैबसाइट की कुछ स्थिति है, तो उस तो बाद अगे रोज़गार मेले चलांगे, नौजवानों के नाल गल करांगे कि वो रोज़गार मेले बारे की सोचते हैं। पंजाब दे विच बेरोज़गारी एक वड्डा मसला सी ते कैप्टन सरकार ने सत्ता चाउण तो पहला एक वड्डा वादा कीता सी ते हरेक घर दे विच नौकरी दित्ती जाएगी ते उसे नूं लैके सूबे दे विच रोज़गार मेलियां दी शुरुआत कीती गई। रोज़गार मेलियां दे विच रजिस्टर करवाउण दे लई सरकार ने बकायदा एक वैबसाइट तैयार की, जिस दे विच जो नौजवान नौकरी लभ रहे ने ते जो नौकरी देण वाले ने वो रजिस्टर करवा सकते सी। तो उसकी एक वैबसाइट जिहड़ी सरकार ने बनाई हुई है तो वो किस तरीके काम कर रही है एक बार तुहानूं वो विखाउने आ। घर घर roojgar.punjab.gov.in के नाम वाली वैबसाइट जी तैयार की गई सी, तो ये वक्-वक् ऑप्शन जिहड़ियां ने दित्तियां गई ने। जो नौकरी लभ रहे हैं, जॉब सीकर ने, इंपलॉयर ने, फॉरन इंपलॉयमेंट, लोकल सर्विस ते इंडस्ट्री की लिस्ट, ये तमाम जिहड़ियां ऑप्शन इस दित्तियां गई सी। पर जो तुसीं जॉब सीकर की जिहड़ी ऑप्शन है उहदे ते जांदे हो, उत्थे क्लिक करते हैं तो उस तो बाद अगे जिहड़ियां ऑप्शनां आउंदियां ने कि तुसीं खुद नूं रजिस्टर करवाउणा है, तो तुसीं नौकरी लभ रहे हो तो जो रजिस्टर करवाने वाले लिंक पर तुसीं क्लिक करते हो तो उस तो बाद तुहानूं इह एरर जिहड़ी है वो नज़र आउंदी है। यानी कि रजिस्टर करवाउण दे लई जो वैबसाइट तैयार की गई है उहदा पहला ही लिंक जिहड़ा है, जिन्हें कि रोज़गार के लिए नौजवानों को रजिस्टर करना है, वो लिंक ही सही तरीके दे नाल काम नहीं कर रहा। उस तो बाद तुसीं वापस आओगे तो होर जिन्ने भी लिंक दिते हुए ने, जिन्हों ने कि पहला अपना जेकर अपना अकाउंट जिहड़ा तैयार किया होया है वो दोबारा तो लॉग इन करना चाहते हैं, उस दे लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस तरीके की एरर मुड़ तो उन्होंने नौजवानों को जिहड़ी वेखण नूं मिलेगी। तो दिक्कत जिहड़ी है सिर्फ उन्हां लोकां दे नहीं आ रही है जिहड़े कि नौकरी लभ रहे हैं, जिहड़े नौजवान नौकरी चाहुंदे ने, रजिस्टर करवाना चाहुंदे ने। सरकार दी ये वैबसाइट उस दे विच पूरी तरह दे नाल फेल नज़र आउंदी है, क्योंकि एम्पलॉयर वाले जदों लिंक ते तुसीं क्लिक करदे हो तो उत्थे एम्पलॉयर जो कि नौकरी देना चाहुंदा है वो भी जेकर इस वैबसाइट ते आ के रजिस्टर करवाना चाहुंदा है, खुद नूं दसना चाहुंदा है कि उसदे कोल किहड़ियां नौकरियां मौजूद ने, किस तरीके दी नौकरी वो दे सकदा है, तो उस दे लिंक ते भी जदों तुसीं क्लिक करदे हो तो उस तरीके दी एरर जिहड़ी है इस दे विच भी सामने आउंदी है। सो इस तरीके असीं तमाम जिहड़े होर लिंक ने उन्होंने जांचण की कोशिश की है इहदे विच पूरे पेज के उत्ते, तो ज़्यादातर जिहड़े लिंक ने वो इस तरीके दे नाल एरर शो करते हैं, जो कि सरकार की कारगुजारी पर कई तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर कितनी गंभीरता के नाल ये वैबसाइट जिहड़ी है इसनूं चलाया जा रहा है, तो नौजवान जिहड़े ने किस तरीके पहुँच कर पाएंगे अगे जो रोज़गार मेले लग रहे हैं उन्होंने लैके कई तरह के सवाल जिहड़े ने खड़े होंदे ने। तो आखिर ये वैबसाइट जिहड़ी है सही तरीके नाल काम क्यों नहीं कर रही, तो की महज विखावे दे लई ये वैबसाइट जिहड़ी सी सरकार ने तैयार की हुई सी। तो रोज़गार मेले के असीं मौजूद हाँ इस वेले, साडे नाल कुछ नौजवान ने जिन्होंने कि फार्म भरे ने इत्थे आके, उन्हां दे कोलों जाणदे आ। की नाम है तुहाडा? दिलबाग सिंह। दिलबाग, इत्थे तुसीं आए हो नौकरी दे लई, किस तरीके दे प्रबंध हैगे ने इत्थे ते जो कंपनियां कईयां गईयां सी पहुंचियां ने उरे, की हालात उरे? प्रबंध तां जी देखो वधिया है, पर जिहड़े नौकरी देण दे कोई हैगा नहीं सिस्टम, नौकरी लगदी नहीं इत्थे मिलेगी। तुसीं फार्म भरिया होणा? हाँ जी हाँ, भरिया मैं फार्म। किन्नियां कंपनियां आईयां ने? कह रहे ने कि 50 तो वध कंपनियां ने। बाकियां दा तां पता नहीं जी, मेरी मकैनीकल दी फील्ड है, 2 कंपनियां ने मेरी मकैनीकल दियां, ते दोनों च एक च तां मैं रिज्यूम देता, दूजिया ने रिज्यूम भी नहीं दिता, कहंदे वैकेंसी ही नहीं हैगी। हाँ, +2 ITI दी वैकेंसी है, मैं बीटेक वाला बंदा, एक च दिया है, वो कहंदे भी कंपनी जाके गल करांगे सुपरवाइजर नाल। तुहाडी इंटरव्यू होई है, तुसीं जिहड़ा फार्म भरिया? हाँ जी, इंटरव्यू तां होई है। ठीक है, ते उहदे विच तुहानूं पता लग्गिया भी वो किन्ना क पैकेज दे रहा है की कुछ? नहीं नहीं, पैकेज पुकेज दा कुछ नहीं पता लग्गिया जी। उन्होंने इंटरव्यू लई है ते कहने तों बाद दस्सो? हाँ जी, जाके कंपनी से गल करांगे, फिर जाके दसांगे कि तुहाडा की बनेगा, रखांगे या नहीं रखांगे, वैकेंसी हैगी है या नहीं हैगी है, तुहाडी प्रोफाइल सूट करती है जॉब नूं या नहीं करती है, बाद च दसांगे। हुण तां इन्हां ने रिज्यूम लैके रख लिया, ये तां असीं आप भी कर सकदे सी जाके कंपनियां च, बथेरियां च मैं भी धक्के खाए ने जी, उही काम इत्थे होया, उही पहला हुंदा है। अच्छा, प्रोसैस दसोगे थोड़ा सानूं कित्थे होया की कुछ, जदों तुसीं इत्थे आए तां सब तो पहला तुहानूं की करना पिया, किन्ना क समा लग्गिया उहनूं चीज़ नूं, ते की कुछ पूरा प्रोसैस की सी इत्थे? देखो जी, प्रोसैस तां वधिया सी इत्थे, सिंपल सी, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं सीगा हर एक वास्ते बोर्ड पर लगे हुए सी कंपनियां के नाम शो किए हुए सी ते अपनी प्रोफाइल के हिसाब नाल बंदा कंपनी च जा सकता सी ईजीली रूम लभ सकता सी। ते जिहड़े बच्चे सी इत्थे कॉलेज दे उन्होंने भी साथ दिता कि कित्थे रूम है किहड़ी कंपनी कित्थे है। प्रोसैस तो ठीक सी वैसे वधिया। तुहानूं पता किवें लग्गिया सी इहदे बारे? मैं इत्थे नेड़े ही पिंड दा रहण वाला जी, उत्थे लॉसमेंट हुई सी सवेरे अनाउंसमेंट कीती सी गुरद्वारे घर ते मैं फिर आया। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 70000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋਬ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, उन्होंने देनी है जॉब या नहीं देनी है। सरकार ने तो अपना काम करता जी। तो लगता सरकार ने दे सही भूमिका निभाई है क्योंकि जिवें तुसीं कहा कि इस तरीके की अप्रोच तुसीं खुद भी कर सकते सी कंपनियां नाल। सरकार की भूमिका तो यह सी जी सानू जिमें अपने पद्धर ते जाइए ना आपां सानू हराश होना पैंदा सी, किते किसी जां कंपनी जाना पैंदा सी, कोई किन्नी दूर सी कोई किन्नी दूर सी। इत्थे सानू सारी कंपनियां इकट्ठियां ही मिल गईयां, बस ये फर्क है, होर कोई फर्क नहीं है जी। पंजवें रोज़गार मेले के इस वे मौजूद हाँ तो कुछ होर बच्चे जोड़े ने साथ जुड़े ने उन्होंने गलबात करते हैं। की नाम थोड़ा? जगदीप जी। जगदीप, इतने रोज़गार मेला लगे किनिया कंपनियां आई हैं तो किस तरीके की नौकरी दी जा रही है, किस तरीके के प्रबंध है? 33 कंपनियां आई ने, इतने वधिया प्रबंध है जी, सारा कुछ अच्छा जी, कंपनियां भी वधिया ने जी। बाकी पर थोड़ी जी इनकम घट है जी, सैलरी सही ऑफर नहीं कर रही, सैलरी सही ऑफर नहीं कर रही। तो कंपनियां तो लगे ने भी चंगियां कंपनियां आई ने, वधिया कंपनियां आई ने? हाँ जी ये तो है जी, कंपनियां तो चंगियां ने जी। बाकी बैंक दी ने कुछ कंपनियां आई ने, होर भी बहुत कंपनियां ने, असी भरिया भी है जी, वो कह रहे कॉल करांगे जी। थानू प्रबंध किदां दे लगे भी? थानू लगता है कि फायदे वाली चीज़ है कि सरकार जोड़ रही है, कंपनियां नूं बुला रही है? क्योंकि है तो कई लोग कह रहे कि असी सीधा भी अप्रोच कर सकते सी इहदे विच सरकार दी, क्योंकि थानू लगता भी सही प्रबंध होए ने? हाँ जी प्रबंध तो सही ने जी, पर ठीक है जी सब कुछ वधिया जी, इकट्ठियां कंपनियां मिल गई सानू इन्नियां, नहीं तो कली कली कंपनी को आप जाना पैंदा जी। हुण तुहानू लगदा कि मिलेगी नौकरी, तुहानू उम्मीद है? हाँ जी उम्मीद तो है जी, देखो हुण फोन आएगा कॉल आएगा तो फिर लगेगा पता। जे तुहानू घट सैलरी दे ऑफर करदे जाओगे? ना जी घट सैलरी दे तां कोई भी नहीं जाऊगा जी। ते तुसीं की उम्मीद करके आए सी, कितनी सैलरी दी उम्मीद करके आए? घट्टो घट 10 तो उपर चाहीदी है जी तनख्वाह। ठीक है, तुहाडा की नाम है? किरणपाल जी। किनपाल, की लगता है कि किस तरीके के प्रबंध से, किनिया नौकरियां सी ते की तुहानू लगता है कि बच्चे जो उम्मीद लैके आए सी उस मुताबक नौकरियां मिलियां ने उन्होंने? प्रबंध तो वधिया जी, यहाँ जी वधिया सिस्टम आ जी सारा, नहीं तो सरकार का जी तो यहाँ जी कंपनियां सारी इकट्ठी मिल गई, जिदा अलग अलग जाना पैंदा है। बाकी इदा जी सैलरी वधिया नहीं हैगी थोड़ी, बाकी कंपनियां वधिया ने जी। कितनी सैलरी दे रहा है? सैलरी 8 जी, 8.5 है, 8500 जी, ये तो ऊपर नहीं जाते जी। नौकरी जी कि नौकरी ऑफर कर रहा है, मतलब किस तरीके का काम? बैंक विच भी जी, प्राइवेट जोमैटो कंपनी है जी, IDBI बैंक, ICCI बैंक जी, डीमार्ट वर्गिया कंपनियां आई हुई हैं जी। बस सैलरी थोड़ी घट है जी, बी इतनी सैलरी तो स्टूडेंट जाते नहीं है जी। हाँ जी पैकेज घट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे प्रबंध की कुछ ने इतने प्रबंध ठीक लगे इतने जो हुए ने? हाँ जी प्रबंध तो ठीक है जी, सरकार का वधिया कदम आ जी, सारी कंपनियां इकट्ठी हो जाती ने जी, स्टूडेंट को जी वधिया रहिंदा जी, उदा जी कली कली कंपनी को जाना पैंदा जी। तो की उम्मीद है हुण, इंटरव्यू दी है तुसीं, लगता है कि नौकरी मिलूगी? हाँ जी उम्मीद तो असीं यही करके आए सानू नौकरी मिले, बाकी देखो जी हुण कॉल करेंगे है। तो रोज़गार मेले दे विच असीं पहुंचे हुए हैं, कुछ होर बच्चे साडे नाल जुड़े ने इत्थे जिन्होंने कि इंटरव्यू भी दी है, इत्थे फॉर्म भरे सी, आके उन्हां नाल गलबात करदे हां। की नाम तुहाडा? पूजा सर। पूजा, इत्थे तुसीं आए हो, किस तरीके का इत्थे इंतजाम सीगा ते जिहड़ी जॉब लई तुसीं आए सी उहदा किस तरीके नाल तुहानू रिस्पॉन्स मिले? सर इतना इंतजाम भी बहुत वधिया लग्या, और आपा टैलीकॉलिंग जॉब दे लई मैं कीता सी तो वधिया लग्या, लगता है कि सानू मिल जाएगी उन्होंने। यस सर। तुहाडा की नाम है? अवतार सिंह। अवतार, किवें लग्या इत्थे, किहड़ी नौकरी लई अपलाई कीता सी ते किस तरीके दा प्रबंध सी, उरे लगता है नौकरी मिलेगी? हाँ जी सर बहुत वधिया लग्या आके सानू। पता तुहानू पता सी कितनी कंपनियां इत्थे आ रही ने ते तुसीं किहड़ी जॉब लई अपलाई कीता? सर मैं डाटा एंट्री वास्ते कीता सी, पर ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਟੈਲੀਕਾਮ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਔਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋਬ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ 11,000 ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਰੀ। ठीक है। उन्होंने की किया, थोड़ा इंटरव्यू लिया? हाँ जी सर। अगे की कह रहे, अगे भी जाना पेगा इंटरव्यू लिए? हाँ जी सर, एक होर इंटरव्यू होना है सर। इंटरव्यू थोड़ा की नाम है? संदीप। संदीप की लगे तुसी किहड़ी जॉब लिए अप्लाई किया है, किस तरीके का प्रबंध? टैलीकॉम बढ़िया अच्छा था, बढ़िया प्रबंध किया था। कंपनियां जिन्हें दसियां सी आईयां सी इत्थे? हाँ जी, बथेरी कंपनियां दी सर। लगता नौकरी मिलू? हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਰਵਿੰਦਰ। ਪਰਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਐਸੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਈਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ 9-10 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ नौकरियां देने वाली कंपनियां आईया हुई सी, तो की चंगी जॉब ऑफर कर रही? हाँ जी सर, बहुत वधिया लगे इत्थे आके, भी इत्थे आके वधिया लगे, नाले जो भी सर वधिया सी इत्थे, तो कह सकते हैं कि नौकरी मिलने के भी चांस है। तो सर जी बहुत वधिया लगे इत्थे आके। प्रोसैस किवें दा सी नौकरी दा? इत्थे तुसीं फॉर्म भरिया आके, उसके बाद इंटरव्यू हुई, किस तरीके का सी प्रोसैस? औखा सी या सौखा? प्रोसैस सर बहुत सौखा सीगा, बंदे जिवें जिवें आंदे गए नंबर लगते रहे सर, वधिया रहा सर, बहुत वधिया रहा। उम्मीद है कि नौकरी मिलूगी? उम्मीद है सर, पक्की नौकरी मिलूगी। तुहाडा की नाम है? सर गुरविंदर कौर। गुरविंदर, किवें लग्गिया इत्थे जो नौकरी लिए प्रबंध कीते होए? सर बहुत वधिया लग्गिया सर, बहुत ज़्यादा वधिया। जिहड़ी नौकरी लिए तुसीं आए सी, ओह इत्थे मिली तुहानूं? सर एक्चुअली मैं इत्थे अपलाई फॉर्म फिल कीते सीगे, अकाउंटेंसी HR मार्केटिंग। सर मैनूं रिस्पॉन्स भी अच्छे मिले, एंड दैन मार्केटिंग का ज़्यादा वधिया मिले सर मैनूं रिस्पॉन्स इत्थों, तां सर उहदी हैगी है सर, मिल सकती है जॉब। ते अगे की प्रोसैस दस्सिया तुहानूं उन्होंने? सर हुण लास्ट राउंड होना इंटरव्यू दा, ओह सानूं कॉल करके बुला लैणगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਕਾਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੈਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ 10 ਜਾਂ 11 ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਦਿਤੀ। ਅਦਿਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, जॉब मिलेगी लग रहा है? बिल्कुल मिलेगी सर, जॉब अच्छी था। टेलीकॉलिंग के लिए किया था अप्लाई, तो कल कॉल आएगा उसके लिए। कल कॉल आएगा? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारे का। सो ये कुछ बच्चे सी जी, जिहड़े इतने फॉर्म भरे ने जे, ते उहदा नाम बोल देना। हमारा नाम है अदिति, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ICI इंस्टीट्यूट है। इसमें कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। इंस्टीट्यूट के वालों आए थे? हाँ जी हाँ जी सर। सो ये जो स्कीम है सर, ये PMKVY के अंडर आती है सर स्कीम। सर इसके अंडर हम जो सर हमारे गांव से सर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं सर, कंप्यूटर बेसिक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। तुसी केड़ी क्लास तो बाद कंप्यूटर करना शुरू किया? सर आफ्टर ग्रेजुएशन तो बाद शुरू किया है। तो तुसी बेसिक सीख रहे हो? हाँ जी, बेसिक भी है सर, और सर एक अच्छी बात है सर, हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है सर यहाँ पर। कि होर तुहानूं की कुछ फायदा लग्या उत्थे जाके, जिहड़े तुसीं इंस्टीट्यूट की गल कर रहे हो, की कुछ तुहानूं सर्विस दे रही है, की कुछ सहायता तुहानूं कर रही है, कि जॉब दे विच भी सहायता कर रही है? जी हाँ जी, प्लेसमेंट्स होंदी है सर इधरों सर, एक्चुअली उन्हां दे थ्रू ही आपां इत्थे आए सीगे, तां सर साडे होर भी इंटरव्यूज कराए जांदे उधरों, ते सर ओह साडे ते डिपेंड करदा आपां किद्दां ट्रीट करदे हैं। बाकी सब बहुत वधिया सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। थैंक यू सर। तो बहुत सारे बच्चे इत्थे सानूं मिलणे, तो कई बच्चे खुश भी सी, उनका यह भी कहना सी कि असल दे विच जो कली थां ते जाके नौकरी लिए अप्लाई करना पैंदा तां एक प्रोसैस जिहड़ा है मुश्किल हुंदा है। उहदे विच बच्चिआं नूं एक गल दी खुशी जरूर सी कि आसानी उन्हां नूं रही है, क्योंकि बहुत सारियां कंपनियां इत्थे इक्को समय दे विच आ गईआं सी, उन्हां दी इंटरव्यू हुई है, पर प्रोसैस भी कई बच्चों ने कहना सी कि ठीक सी, पर उस तो बाद हुण अगे दी गल इह है कि इत्थों हुण प्रोसैस जो कंप्लीट होया, उस तो बाद एक अगला होर राउंड होएगा, उस तो बाद बच्चों नूं दस्सिआ जाएगा कि असल दे विच उन्हां दी चोण नौकरी दे लई होई है या फिर नहीं। तो इस वे असी डेरा बस्सी कॉलेज के सरकारी कॉलेज के मौजूद हाँ, जिते एक 5वां रोज़गार मेला लग्या होया है। तो साडे नाल इस वेले SDM पूजा ग्रेवाल साडे नाल मौजूद ने, उन्हां तों जानदे हां कि कुछ प्रबंध इत्थे होए ने, ते किन्ने क बच्चे पहुंचे ने, ते की कुछ रोज़गार इत्थे बच्चों नूं दित्ते जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है जस पंजाबी ते, थोड़ी जानकारी दिओ कि इस वेले जिहड़ा प्रबंध है तुहाडा इत्थे डेरा बस्सी दे विच, जिहड़ा 5वां रोज़गार मेला है, किहड़ियां-किहड़ियां कंपनियां आईयां ने, कितना क पैकेज तुसीं ऑफर कर रहे हो, तो किस तरीके की जॉब ऑफर कर रहे हो? देखो जी, अराउंड 3000 तो उत्ते बच्चा हाले तक इत्थे आ चुका, रजिस्टर करा चुका, तो 51 कंपनीज़ जिहड़ियां ने इत्थे आईयां ने अक्रॉस मोहाली डेरा बस्सी, जिन्नियां भी कंपनीज़ ने, दे हैव पार्टिसिपेटेड। placement किन्ने नो मिली है, those figures we will be finalizing after it is over, and it was a very good response, even better than I had expected. It is all because of our Deputy Commissioner and ADC Madam's efforts, and everybody chipped in. हर एक ने, चाहे वो रोजगार अफसर हों, चाहे साड़ी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होवे, ते चाहे डीसी ऑफिस वालों होवे, इट वॉज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. असी पिछले ऑलमोस्ट 20-25 दिन तो इहदी बुनियादी करा रहे हैं, रेगुलरली पिंडां दे विच वी ते शहरां दे विच वी जगह जगह ते साडे वल्लों एडवरटाइजमेंट वास्ते फ्लैक्स लगाए गए सीगे ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो चुके. सिर्फ लोकल बच्चे ही नहीं आए, मोहाली तो खरड़ तो भी बच्चे इतने आए ने डिफरेंट कॉलेजेस दे. ते हुणे इंप्लॉयमेंट ऑफिसर तो द न्यूज़ दैट आई गॉट वॉज दैट अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड most of the children who have registered, even the companies have given a very positive response. बाकी जो actual figures ने कितनी placement हुई वो असी we can only give you late night today. ठीक है, ये दस सकते हो कि जिहड़ियां कंपनियां आईयां ने किस पद्धर दी नौकरी वो बच्चियां नू ऑफर कर रही ने, सालाना पैकेज या तुसी सैलरी के हिसाब नाल दस सको, ते जॉब किस तरह की जॉब है, किस तरीके की नौकरी है, जिवें तुहाडे कोल Zomato का भी लग्या होया, ओला का भी लग्या होया, तो किस तरीके की जॉब्स ने, किस पद्धर दी नौकरियां ने, जो बच्चे आए ने उन्हां दे पढ़ाई दा पद्धर की कुछ है. ये 8th प्लस ऑनवर्ड्स, 8th पास ऑनवर्ड्स हैगियां ने, अबव लेवल तक हैगियां ने. बाकी पैकेजेस इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज किहड़े लेवल दी जॉब है, की क्वालिफिकेशन है, हर तरह की क्वालिफिकेशन दी इत्थे प्लेसमेंट वास्ते कंपनीज आईयां होईयां ने. जिवें तुसीं हुणे किहा वी ओला, Zomato ये हैगियां ने, जिवें 10th पास दे बच्चे उस तो उपर वालियां भी हैगियां ने. वी ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसमेंट्स आर बीइंग डन टुडे. ते एज आई सेड अर्लीयर आल्सो वी किहड़े एरिए दे विच, किहड़ी क्वालिफिकेशन दे विच, या किहड़ी स्ट्रीम दे विच किन्नी प्लेसमेंट हुई है, दैट वंस द फिगर्स हैव बीन फाइनलाइज्ड वी कैन टेल यू. तो बच्चों का किस तरीके का रिस्पॉन्स है, जो बच्चे इतने पहुँचे ने, रजिस्टर वो करवा रहे हैं, इंटरव्यू अगे दे रहे हैं, बच्चों का किस तरीके का रिस्पॉन्स हुण तक तुहानूं रहा? देखो साडा मंतव मेनली यही सी कि असी जिन्ना बच्चों लई ईज आउट कर सकीए ते जिन्नी क उन्हां दे विच अवेयरनैस दस सकीए. जे 3000 तो बच्चा उत्ते आया है, इहदा मतलब द रिस्पॉन्स इज़ वेरी पॉजिटिव. बच्चों लई असी अलग अलग रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाए हुए सी क्वालिफिकेशन वाइज, ताकि बच्चों को थोड़ा ईजी रहे. रजिस्ट्रेशन डेस्क तो ही बच्चों को पता लगता सी भी उन्होंने उन्होंने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली किहड़ी कंपनी वास्ते किहड़े रूम नंबर दे विच जाना है. बच्चों लिए थ्रू आउट द डे रिफ्रैशमेंट, लंच, एवरीथिंग वॉज अरेंज, सो दैट दीज आर जस्ट सम इंसेंटिव्स टू ब्रिंग द चिल्ड्रन फॉरवर्ड, टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स फॉरवर्ड, टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू हैव इंटरैक्शन विद द कंपनीज. दैट वॉज आवर मेन मोटिव. तो मैं जोड़े बच्चे हुण तुहाडे कोल इत्थे इंटरव्यू दे गए हैं, तुसीं रजिस्टर कर लए ने, इस तो बाद जिवें तुसीं कह रहे हो कि फाइनल आंकड़े तुहाडे कोल आने बाकी ने, कि उस तो बाद जिहड़े बच्चों नूं तुसीं नौकरी दित्ती है या गवर्नमेंट ने जो भी नौकरी दित्ती है, वो बच्चों की कोई जानकारी बाद में साझी की जाएगी? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल. वी विल ऑफकोर्स, इट इज़ समथिंग इन पब्लिक डोमेन. जिन्ने बच्चे आए, जिन्नी उन्होंने प्लेसमेंट हुई, इट विल बी इंप्लॉयमेंट ऑफिसर कोल सारा इहदा रिकॉर्ड होएगा, एंड ऑल द फिगर्स विल बी विद हर एंड दे कैन बी ऑब्टेन्ड. तो इस वे कुछ जॉब प्रोवाइडर साढ़े नाल ने जो कि इतने नौजवानों का इंटरव्यू जिन्होंने किया, उन्होंने गलबात करते हैं कि किस तरीके के बच्चे आए सी. सर की नाम है तुहाडा? सुशील वर्मा. सुशील जी, तुसीं इत्थे आए हो जॉब मेले दे विच, इत्थे किस तरीके का तुहानूं बच्चों के वल्लों रिस्पॉन्स मिले आए, किन्ने क बच्चे इत्थे पहुँचे सी, ते की जिस तरीके के बच्चे तुहानूं चाहिए सी कि वो बच्चे मिले? हाँ जी भाजी, बच्चे काफ़ी कुछ अच्छे सी, मिक्स सी, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं सी, बहुत बुरे भी नहीं सी, जो सन रिक्वायरमेंट सी कुछ पूरी करते सी, कुछ नहीं पूरी करते सी. तो ऐसे कुछ बच्चे सिलेक्ट किए हैं जो सन बहुत अच्छे लगे हैं, और वी हैव इनवाइटेड देम टू ऑफिस कि ऑफिस आने साडे कोल फाइनल इंटरव्यू वास्ते HR सैशन पूरा करांगे सारा जी. तो ठीक सी ओवरऑल, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ आए सी, जिदा अदरवाइज असी अपने थ्रू कंसलटेंट थ्रू बाहरों से हायर करते हैं. सानू इत्थे आके फायदा होया कि सानू इको प्रोफाइल दी, इको प्लेटफॉर्म ते सानू काफ़ी अच्छे बच्चे मिले हैं, यंग काफ़ी हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है, अगे बदलण नूं हर एक इच्छा होंदी है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा साडा जी. तुहाडे वल्लों जे मैं पूछूं IDBI दे वल्लों किस तरीके की जॉब प्रोफाइल जी ऑफर की जा रही है? असी टीम लीडर हायर कर रहे सी जी, असी सानू रिक्वायरमेंट सी टीम लीडर की, जिहड़े कैंडीडेट से उन्होंने अगर टीम बनानी है, ऑन रोल हायर करने है, अच्छा प्रोफाइल से साडा, अच्छे पैकेज सीगे, और कुछ कैंडीडेट जो असी सिलेक्ट किए हैं दे आर वेरी गुड, और होपफुली उन्होंने अच्छा फ्यूचर है विद इन द कंपनी एंड इवन आफ्टर दैट IDBI, और अच्छा फ्यूचर असीं देखते उन्हों का काफ़ी अच्छा एक्सपैक्ट करता कि अच्छा फ्यूचर वो रखणगे. तो इस वेले नाल साडे नाल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री तो हरविंदर सिंह जी मौजूद ने, गलबात करते हैं. हरविंदर जी, किस तरीके दे इत्थे बच्चों का रिस्पॉन्स हुण तक का रहा है, कितनी कंपनियां पहुँचिया ने, किस पद्धर की नौकरी जी बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है? कंपनियां साड़ियां डेरा बसी एरिया दे विचों सारियां लगभग 53 54 इंडस्ट्रीज़ जिहड़ियां साडे कोले रजिस्टर्ड होईयां आईयां ने जिहड़ियां ते हाले भी कंपनियां आ रहीयां ने। बच्चे उन्हां नूं अपनी जरूरत दे मुताबिक मिल रहे हैं जी। कई रेयर जिहड़ियां क्वालिफिकेशनस ने जिस तरह तुहानूं इन्हां ने टॉरक्स वालियां ने दस्सिया कि माइक्रोबायोलॉजी दी MSc या इस तरह कुछ हायर जिहड़ियां ने वो इत्थे थोड़ी जी शॉर्टेज है। अदरवाइज ITI दे बच्चे डिप्लोमा होल्डरस BTech दे विच ते +1 +2 के बच्चे सेल्स के लोगों ने सिलेक्ट किए ने। काफ़ी अच्छे ढंग तरीके जी है, काफ़ी बच्चे शॉर्टलिस्ट होए ने। लगभग 3000 तो वध बच्चे जिहड़े शॉर्टलिस्ट हो चुके सी हुण तो 20 मिनट पहलां। ते सर जॉब दी मैं पुछना चाहुंदा सी कि पैकेजेस वगैरह या एक सैलरी नूं लैके बच्चे कह रहे सी कि सैलरी जिहड़ी है वो बड़ी घट ऑफर की जा रही है, वो बारे थोड़ा दसो सानूं कि जॉब प्रोफाइल की सी बच्चों के खास तौर पर ते किन्नी सैलरी उन्होंने प्रोवाइड की जा रही है। ਜਿਹੜਾ ट्रेनिंग पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ फ्रैश बच्चे ने वो कंपनीज़ ਦੇ अपने ਉਹਨਾਂ ਦੇ रूल ਨੇ कि उन्होंने 1 साल ਲਈ ਜਾਂ 2 साल ਲਈ ट्रेनिंग पीरियड ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ सैलरी देनी है। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ बच्चे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ सैलरी ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मिनीमम ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ स्केल है पे स्केल है वो घट तो मेरे ख्याल कोई भी कंपनी नहीं रखती है, कोई भी नहीं करती उस तो घट। तो कई बार बच्चों ਨੂੰ इस तरह लगता है कि असी ज़्यादा पढ़ गए या साड़ी इस तरह जॉब, उन्होंने ये नहीं लगता कि स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैश है। तो मैं तो बच्चों ये कहूँगा भी स्टार्ट करो तो ज्यों थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है त्यों जी कंपनियां नौकरी की थोनों तनख्वाह बढ़ाउंदियां रहिंदियां ने। साढ़े कुछ होर जिहड़े जॉब प्रोवाइडर ने साढ़े मौजूद ने टॉरक्स कंपनी के कुछ नुमाइंदे ने। की नाम है सर तुहाडा? देसराज। देसराज जी तुसीं जॉब देने इत्थे पहुँचे सी, किस तरीके की तुहाडी रिक्वायरमेंट सी इत्थे ते की उस लेवल के बच्चे तुम्हें मिलने? नहीं, हमारा MSc माइक्रो का था तो यहाँ पे MSc माइक्रो तो नहीं पहुँचे वैसे। और इलेक्ट्रीसन थे, इलेक्ट्रीसन भी नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर टर्नर और मैकेनिकल साइड से या फिटर साइड से काफ़ी लड़के मेरे पास भी पूछने के लिए आए थे, लेकिन इलेक्ट्रीसन जो था वो नहीं मेरे पास पहुँचा। तो नाम है गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी की लगता है कि तुहाडे वालों प्रॉपर इत्थे दसी गई सी जानकारी कि तुहानूं किस पद्धर दे बच्चे चाहिए ने, की तुहाडी रिक्वायरमेंट की है? रिक्वायरमेंट तो सर MSc इन माइक्रो सी, बट ये है कि इन्फॉर्मेशन तो पूरी सी कि मतलब होएगा, बट ये रेयर होंदी है सर। एजुकेशन थोड़ा जा क्वालिफिकेशन थोड़ी हायर हो गई सी, इस करके बच्चे इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुँची हुई। BCom का है तो MSc थोड़ा रेयर था। इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रीशियन का कह रहे थे कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ बच्चे? इलेक्ट्रीशियन का नहीं, इलेक्ट्रीशियन का नहीं मिला था। बाकी डिप्लोमा होल्डर मिल रहे थे, पर हमारी की रिक्वायरमेंट ITI ने इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा होल्डर मिल रहे थे सानू, और एक्सपीरियंस मिल रहे थे, प्रेफर मिल रहे थे, BTech थे ये चीज़। वैसे तो ओवरऑल किवें लग्या थे कि प्रबंध सी ते बच्चे जिहड़े पहुंचे सी किवें लग्या तुहानू पूरा प्रबंध? नहीं, बहुत वधिया सी सर, ऑल ओवर वेरी गुड। यस सर। नैक्सट टाइम तुसी जे इस तरीके का कोई गवर्नमेंट इंतजाम करती है नैक्सट टाइम तुसी फिर ट्राई करोगे? यस सर, डेफिनेटली। कुछ बच्चे जिहड़े सी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कुछ बच्चे जिहड़े सी वो पार्ट टाइम नौकरी चाहते सी, पर उनका कहना सी कि कोशिश उन्होंने की है उत्थे, पर फिलहाल ज़्यादातर बच्चों को इत्थे इंटरव्यू लैण तो बाद कहा गया है कि कईयां नूं एक होर प्रोसैस जिहड़ा है उस तो बाद अगे तय करना पै सकदा है, तो उस तो बाद जिहड़ा है उन्हां नूं फाइनल तौर दे उत्ते दस्सिया जाएगा कि उन्हां नूं नौकरी मिली या फिर नहीं मिली। तो फिलहाल अज दे पंजाब बोलदा चैनल, धन्नवाद।